हाँ जी प्यारे बच्चों, हम आपके लिए कॉन्सेप्ट नंबर 5 लाए हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखा था, उस कॉन्सेप्ट नंबर 4 में आपने कंडीशन दे रखी थी, आपको नंबर दे रखे थे 1, 2, 5, 4, 5, 6, 7 और 8, और आपने जो नंबर बनाने थे 4000 से ग्रेटर बनाने थे। तो उसके अंदर आपने विदाउट रेपिटेशन भी देखा और रेपिटेशन भी देखा। अब बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 5 के अंदर हमें नंबर वही लेके चलते हैं ताकि आपके दिमाग में रहें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये नंबर है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब हमें 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, फॉर्म आ 4 डिजिट नंबर। और अब एक कंडीशन नहीं, बहुत सारी कंडीशंस हैं। और बहुत सारी कंडीशंस क्या हैं बच्चों, पिछले बार जैसा कॉन्सेप्ट की कंडीशन की 4000 से ज्यादा होना चाहिए नंबर, और दूसरी कंडीशन ये है वो नंबर जो है वो कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। क्या है 4000 एंड और क्या होना चाहिए, इवन। तो अब हमें इस क्वेश्चन को फॉर्म करना है, और साथ में कंडीशन पहला केस दे रखा है कि विदाउट रेपिटेशन। क्या दे रखा बच्चों, विदाउट रिपीटेड, विदाउट रेपिटेशन होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि बच्चा जो है आपका कुछ इक्विपमेंट के साथ खेल रहा है, वो नंबर एग्जैक्टली वंस यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते। तो आपको सत्यम समझ आ रहा है नंबर कितने हैं, 1 से लेकर 8 तक। फॉर्म ऑफ 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, पहली कंडीशन वो 4000 से ज्यादा होना चाहिए, दूसरा साथ में क्या बच्चों, इवन नंबर होना चाहिए। तो अब इस कहानी को करने में और इस क्वेश्चन को करने में बहुत मजा आएगा। और दूसरी पहला इसका केस लिया हमने विदाउट रेपिटेशन करना है, वो क्या होना चाहिए, विदाउट रेपिटेशन होना चाहिए। और उसमें बच्चा आप सोच सकते हो कि इक्विपमेंट के साथ खेल रहा है, वो एक ही बार यूज हो सकते हैं, बार बार यूज नहीं हो सकते। तो अब बच्चों यहां पर आपके ये 4 डिजिट हैं जो मैंने बॉक्स बना दिए हैं, ये 4, ये आपका 10th प्लेस है, ये आपका 100th प्लेस है, ये आपका 1000th प्लेस है। तो बच्चों आप मुझे बता सकते हो लीडर कौन है यहाँ पर, 1000th प्लेस वाला, ठीक है, यहाँ नंबर है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। और ये नंबर जो है ग्रेटर देन 4000 भी होना चाहिए और इवन नंबर भी होना चाहिए। अब देखो बच्चे ऐसे कॉन्सेप्ट में गलती कहाँ करते हैं, आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह समझना है। अब बच्चों 4000 से ग्रेटर होना चाहिए, लास्ट कॉन्सेप्ट की तरह यहाँ पर जो नंबर यूज हो सकते हैं वो आपके कौन से होते हैं, 4, 6, 5, 5 को पहले लिख लीजिए, 4, 5, 6 और 8। तो ये क्लास के बच्चे मुझे मालूम है काफी शार्प हैं, वो हर बात को बड़े अच्छी तरह समझ जाते हैं। हाँ जी, और यहाँ पर ये जो यूनिट प्लेस है आपको इवन नंबर के बारे में मालूम है, इवन नंबर का मतलब कि कोई भी चीज आप डिवाइड कर रहे हो तो इवन नंबर में डिवाइड होना चाहिए, कुछ फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। तो जिसके यूनिट प्लेस में 2, 4, 6 जो नंबर 2, 4, 6, 2 से डिवाइड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इवन नंबर, ठीक है। तो 2, 4, 6 और 8, हाँ जी, और 7 भी आ सकता है बच्चों, और बच्चे शर्मा रहे हैं बोलते हुए, 7 भी आ सकता है, पक्की बात है, 2, 4, 6, 7 और 8। तो यहां पर कितने नंबर आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं। हाँ जी, यहां पर कितने नंबर आ सकते हैं, 2, 4, 6 और 8। अब बच्चा जो जनरल, जिसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन की नॉलेज नहीं होती, जिसे मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में नहीं मालूम होता, तो वो बहुत सारी गलतियां कर जाता है। वो बच्चा कैसे करता है और आपने क्या करना है, वो सब आज हम इस बारे में जिक्र करेंगे इस कॉन्सेप्ट के अंदर। अब बच्चा करेगा ये नंबर यूज हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 और मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएगा। यहाँ पर एक नंबर ऑलरेडी यूज हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर भी एक नंबर, समझिए ये बात बच्चों। अब 2 नंबर ऑलरेडी यूज हो चुके हैं, वो जो मिस कॉन्सेप्ट लगाएगा, 2 नंबर यूज हो चुके हैं, टोटल 8 नंबर थे, तो ये होगा 6 वे से और ये कितने हो चुका, 5 से। और वो बाहर आके सोचेगा एग्जाम हॉल से कि ये क्वेश्चन मैंने बहुत बढ़िया किया। लेकिन यहाँ पर बच्चों देखने वाली बात ये है कि जहां पर भी 4 है, 6 है और 8 है, 8 दोनों नंबर जहां कंडीशन है वहां पर इंटरसेक्शन है। क्या है बच्चों, इंटरसेक्शन, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और आपका आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो इसको बड़ी आराम से जो मेथड मैं आपको बताता हूं उस वे से करना है जिससे आपका क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल प्रॉपर होगा। और यदि ये विद रेपिटेशन होता तो क्वेश्चन और इजी हो जाता, क्योंकि कंडीशन ना होती, यहां पर 3 कंडीशन काम कर रही है, विदाउट रेपिटेशन,
इवन नंबर ग्रेटर देन 4000। अब कैसे करना है इस नंबर को, अब इसके बारे में आप लोग सोचो कैसे करना है, बताओ बच्चों कैसे करेंगे। तो ऐसे केसेस के अंदर हम लोग जो है कंडीशंस बनाते हैं, क्या बनाते हैं कंडीशन, नंबर्स को क्या करते हैं फिक्स करते हैं, नंबर्स को क्या करते हैं फिक्स। तो बच्चों यहां पर ये चार डिजिट के नंबर हैं, तो इवन नंबर बनाना है मैंने, तो सबसे पहले मैंने यहां पर 2 फिक्स कर लिया, क्या फिक्स कर लिया 2 एक ही वे से, ठीक है। और अब ये नंबर कितने वे से भरा जा सकता है, देखो कोई इंटरसेक्शन तो नहीं है, 1 2 3 4 5 ये कितने वे से 5 और ये कितने वे से 1, दो नंबर ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। अब ये वाला नंबर जो है कितने वे से यूज होगा बच्चों, 6 वे से, दो नंबर यूज हो चुके हैं 8 में से, और ये कितने वे से होगा 5, तो आंसर आया 25 × 6 कितना होता है बच्चों 150। अभी ये एक केस हुआ है, ठीक है। अब इसके साथ एडिशन रूल भी चलेगा और वाला भी। अब बच्चों जो जो इवन नंबर है उनको हम लेके चल रहे हैं, अब मैंने 4 को फिक्स कर लिया बच्चों, किसको फिक्स कर लिया 4 को। अब आप गलती नहीं करेंगे, अब देखो ये तो एक वे है ही है, सत्यम समझ आ रहा है, सक्षम समझ आ रहा है, अभिषेक समझ आ रहा है, ठीक है, नंदिता समझ आ रहा है। अब देखो बच्चों आगे, अब 4 आ चुका है, अब यहां पर 4 तो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो ये कितने वे से बन सकता है 1 2 3 4, तो ये कितने वे से होगा 4 वे से, तो दो नंबर एग्जैक्टली यूज हो चुके हैं, ये कितने वे से 6 और ये 5, 5 6 का कितना था 30, 34 था 120, तो ये 120 आ गया, तो इसको हम इधर निशान लगा देते हैं। ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही। अब यहां पर हम अगला केस लेते हैं जो हो सकता है, सक्षम आप बताओ बेटा यहां पर क्या बता सकते हैं 6, अब नंबर हमने क्या यूज किया 6 और यहां पर एक वे हो गया, तो एक नंबर ऑलरेडी यहां यूज हो चुका है इसमें से, ये कितने वे से होगा 4, ये 6, ये 5, 6 5 का 30, 30 × 4 120, ये बात समझ आ रही है बच्चों कितना हो गया 120। अब बच्चों यहां पर दूसरा नंबर कौन सा यूज हो सकता है 8, कौन सा यूज होता है 8, और यहां पर बच्चों ये बताओ 4 × 6 × 5 × 1, ये भी कितना आ गया 120, तो ये बात समझ आई या नहीं आई। 120 कितनी बार आ रहा है 3 बार, कितनी बार आ रहा है 3 बार, इसको इधर ऊपर लिख देते हैं 120, तो ये 360 प्लस 150, तो ये आ गया आपका 510 वेस, कितने आ गए बच्चों 510 वेस से हम जो है एक नंबर बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर यूज करते हैं विदाउट रेपिटेशन, जो नंबर ग्रेटर देन 4000 भी होगा और साथ में क्या होगा इवन नंबर भी होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ, इसका सेकंड पार्ट भी ले लेते हैं इस कॉन्सेप्ट का। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, टोटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, परफेक्टली क्लियर, ठीक है। अब बच्चों विद रेपिटेशन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं विद रेपिटेशन। विद रेपिटेशन के अंदर बच्चों हम लोग थोड़े से फ्री हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, फ्री हो जाने का मतलब ये है कि उसके अंदर कंडीशन कुछ कम हो जाती है। अब वो कैसे करना है इसको आप ये सोचो, अपना एनालिसिस सोचो कि वो वेस्ट तो ऑब्वियस से ज्यादा आएंगे, जब आपके पास फ्रीडम होगी तो क्या होगा ज्यादा अच्छी तरह काम कर सकेंगे। तो अब इधर देखो बच्चों यहां पर कितने नंबर आ सकते हैं यूनिट प्लेस पर 4, ठीक है, और यहां पर कितने आ सकते हैं 5, और यहां पर 8, यहां पर 8। तो आप बच्चों ये मुझे बता सकते हो कि यहां पर ऐसी कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं आई, क्योंकि ये क्या था विद रेपिटेशन, रेपिटेशन हो सकती है, यदि यहां पर 4 आ गया तो 4 यहां आने में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो आंसर आया आपका 64 × 20, तो ये आया 81280, और पहले कितना आया था 510, और ये कितना आया 1280, तो देखो कितने सारे वेस डबल से भी ज्यादा हो गए। तो फ्रीडम जितनी होगी हम उतने ज्यादा फ्री होंगे, उतने वेस क्या हो जाएंगे बढ़ जाएंगे, हमें आजादी क्या है उतनी ज्यादा मिल जाएगी, और आजादी मिलने का मतलब ये है जब हम आपको लीनियर प्रोग्रामिंग कराएंगे तो आपको पता चलेगा जितने कंस्ट्रेंट ज्यादा होंगे उतनी प्रॉब्लम्स ज्यादा आएंगी, तो जितने कंस्ट्रेंट्स कम होंगे उतना ज्यादा फ्री होंगे। अब इसी के अंदर कॉन्सेप्ट नंबर 6 लेते हैं और उसको आप लोग बहुत अच्छी तरह समझेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 6 के अंदर करते हैं,
अब देखो बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सिक्स, कॉन्सेप्ट नंबर सिक्स। यहां पर बच्चों थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, अब नंबर है आपके पास नाइन। क्या है बच्चों? नाइन, ठीक है। और आपने फॉर्म ऑफ फोर डिजिट नंबर, फॉर्म ऑफ फोर डिजिट नंबर, ठीक है, फॉर्म ऑफ फोर डिजिट नंबर फॉर्म करना है, कितना? फोर डिजिट नंबर, ठीक है। और इसके अंदर एट जो है यूज होना चाहिए, एट मस्ट बी यूज्ड एग्जैक्टली वंस। कंडीशन डाल दी कि एट को जब यूज करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, एक ही बार यूज होना चाहिए, बाकी नंबर के लिए फ्रीडम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब बच्चों सोचो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो ये क्वेश्चन पिछले वाले कॉन्सेप्ट से ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा फ्रीडम है इसके अंदर, क्योंकि एट को क्या करना है, एक ही बार यूज करना है। अब एट ही बार यूज करना है तो कैसे करें? तो यहां पर कंडीशन होती है, उसको फिलअप किया जाता है। तो चार डिजिट का नंबर है, चार बॉक्स है हमारे पास, यूनिट प्लेस है, टेनथ प्लेस है, हंड्रेड प्लेस है और थाउजेंड प्लेस है। तो अब एट हमारे को तंग कर रहा है, तो एट को मैंने क्या कर दिया, यहां पर फिक्स कर दिया। हाँ जी बच्चों, इसके अंदर एट को एग्जैक्टली मस्ट वन, एक ही बार यूज करना है, मतलब बाकी एट जो है हमारे पास एक ही अवेलेबल है, बाकी नंबर हम पेंसिल से लिख भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को जो हम करते हैं केस बना के करना पड़ता है। यूनिट प्लेस पे बच्चों हमने क्या लिख लिया, एट। अब टेनथ प्लेस पे, अब ये टोटल हमारे पास नंबर थे बच्चों नाइन, तो एक नंबर तो एग्जैक्टली वन था और यूज हो चुका है, अब बाकी नंबर रह गए हमारे पास एट, तो ये यूज होगा एट वे से, ये भी यूज होगा कितने वे से, एट वे से, ये भी कितने वे से, एट वे से। तो बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यहाँ पर एट को फिक्स कर लिया, वो कितने वे से, वन वे से, जो यूनिट प्लेस पे आएगा, बाकी एट एट एट। तो एट को एट से मल्टीप्लाई किया तो 64, 64 को एट से मल्टीप्लाई किया प्यारे बच्चों 512। अब इसी एट को हमने फिक्स कर लिया टेनथ प्लेस पे, तो यूनिट प्लेस पे कितने वे से भरा जा सकता है, एट। मल्टीप्लीकेशन रूल क्यों यूज करना है आप लोगों को मालूम है, यहां पर भी कहेगा बच्चों एट, यहां पर भी कहेगा एट, तो ये भी कितना आ गया 512। अब 8 को हमने फिक्स कर लिया 100 प्लेस पे, तो यहां पर नंबर कितने वे से भरा जा सकता है, 8 8 8, तो ये कितना आ गया 51। इज इट क्लियर और नॉट? तीन जगह पे हम 8 को यूज कर चुके हैं, यूनिट प्लेस पे, टेनथ प्लेस पे और 100 प्लेस पे। अब 1000 प्लेस पे मैंने 8 फिक्स कर लिया, तो 100 प्लेस भी 8 वे से, टेनथ प्लेस भी 8 प्लेस से, तो ये हो गया 512। तो अब प्यारे बच्चों 512 हम बिना गिनती किए कैसे गिन रहे हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। तो यदि 512 को 4 बार ऐड करने की बजाय, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन, तो इसको हमने 512 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 5 4 20, तो टोटल वेज जो हैं हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2048, ठीक है।